बट कुछ चीज़ें हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हो, आप बहुत ज़्यादा शौकीन हो, तो आपको लगता है कि जैसे इसकी श्रेणी के और जितने भी ट्रैक्टर हैं उन सब की। किसान साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है फार्मिंग आउटलुक चैनल में। तो आज हम लोग आपकी डिमांड पर रिव्यू करने जा रहे हैं स्वराज 724 FE, जो कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। और इस ट्रैक्टर का इस्तेमाल ज़्यादातर छोटे किसान या फिर जो बागवानी का काम करते हैं वो किसान, या फिर टंच विधि जो 5 फीट की दूरी पर गन्ना बोते हैं वो किसान, उनके द्वारा किया जाता है। और ये एक फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, और इसमें हम आपको कोशिश करेंगे ट्रैक्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की। और वीडियो के अंत तक प्लीज़ बने रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे वीडियो देखिए। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों का फार्मिंग आउटलुक चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो रिव्यू कर रहे हैं स्वराज 724 FE। ये 28 हार्स पावर श्रेणी का ट्रैक्टर है और ऑन पेपर ये 24 या 25 है। तो ये ट्रैक्टर जो है आपका, ज़्यादातर जो किसान लेते हैं वो टंच गन्ना किसान लेते हैं। टंच मतलब चौड़ी विधि। ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में सबसे दमदार ट्रैक्टर है। 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। और जो टायर ट्रैक्टर के साथ अपोलो कंपनी के हैं यहाँ पर। और ये साइज है 6-14, अगले हैं। तो मैं एडिटिंग कर लूंगा। और पिछले जो टायर हैं ये है, इनका साइज है आपका 8-3-24, 8-3-24। 206 घंटे चला है और इसकी 2 सर्विस हुई हैं अभी। ये फोर व्हील ड्राइव है, ये देखिए यहाँ पर इसका, ये ड्राइवर के लिए बहुत ही आरामदायक है। यहाँ से आप फोर व्हील ड्राइव और टू व्हील ड्राइव ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गियर पैटर्न की बात करें तो 1, 2, 3, 4 ये इस तरीके से, ऐसे फर्स्ट, इधर पीछे सेकंड, इधर थर्ड और इधर फोर्थ, ये गियर लगते हैं इसके। और इसमें 3 गियर हैं अगर हम लो मीडियम हाई की बात करें तो। ये इसका, इसी से रिवर्स गियर भी लगता है इसका। आगे की तरफ लीवर कर देंगे तो हाई है, बीच में लो है, फिर न्यूट्रल है और बैक साइड में आपका रिवर्स है। तो रिवर्स में हमारे पास 4 स्पीड हैं यहाँ, 4। और इस ट्रैक्टर में जो ये पीछे का हिस्सा है यही आपको महिंद्रा जेवो में मिलेगा, यही इसमें, दोनों में यहाँ से हिस्सा सेम है बिल्कुल। और ये आपका पीटीओ है, यहाँ पर पीटीओ हमें 540 इकोनॉमी और 540 नॉर्मल ये मिलती है। बीच में न्यूट्रल कर सकते हैं। पीटीओ की जो शाफ्ट है ये काफ़ी लंबी दी गई है, ड्राइवर जब इसका इस्तेमाल करता है तो बहुत ही आरामदायक रहता है ये। इसके अलावा अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस ट्रैक्टर पर अभी तक हमने आपका अप्रोक्स 22 क्विंटल रेत लेके आए हैं हमें, हाईएस्ट जो लोड है। और वो 22 क्विंटल जो लोड है वो बड़ा रजवाया जो होता है, कुछ जगह छोटे होते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, लगभग 30 फीट की चौड़ाई वाला रजवाया, उसमें से टू व्हील ड्राइव पर लेके आया है। और अगर इस रोटावेटर की बात करें तो ज़्यादातर जो ट्रैक्टर हमने, आइसर का एक छोटा ट्रैक्टर चलाया है, वह भी आपका लगभग 1000-1500 RPM पर चलता है, लेकिन ये सिलो रेस पर इस रोटावेटर के साथ चलता है जब टंच गन्ने की हम जुताई करते हैं। तो किसान भाइयों, ये हमारा फर्स्ट रिव्यू है किसी ट्रैक्टर का। अभी हो सकता है हम आपको, कोई जानकारी हमसे छूट गई हो या रह गई हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आप इस ट्रैक्टर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं अगर। और अगर कीमत की बात करें तो ये ट्रैक्टर कीमत में सबसे कम है। जैसे हम पहले जॉन डियर लेना चाह रहे थे छोटा, इसके अलावा आपका कुबोटो के छोटे ट्रैक्टर हैं, फिर एटम आता है फार्म ट्रैक का, मैसी है। तो मैसी में तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि जैसे ही हम टंच गन्ने में, जब कॉर्नर साइड जो है, धोरा जिसे बोलते हैं देसी भाषा में, उस पर जाकर जब हमने ट्रैक्टर मोड़ा तो उसका पेट अड़ गया। इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखिए आप कितना अच्छा है, एक बार लगभग ये मान के चलिए अब 280-285 mm के आसपास है ग्राउंड क्लियरेंस। और अगर हम, जैसे ये हाइट है भी यहाँ 3-4 फिट
ऊंचाई पर सड़क है, तो अगर ट्रैक्टर को चढ़ाएं तो ट्रैक्टर टू व्हील ड्राइव में बैक में फर्स्ट गियर में बड़े आराम से ऐसे ही चढ़ जाएगा। रिवर्स गियर और अब हम लगाएंगे यहाँ से हाई। गहराई भी तो दिखानी है ना इधर। ट्रैक्टर की अगर कीमत देखें और मेंटेनेंस देखें, जैसे अभी तक ये ट्रैक्टर 206 घंटे चल चुका है लेकिन कोई मेंटेनेंस नहीं है, नया ट्रैक्टर है, कोई बॉडी साउंड नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हो, आप बहुत ज़्यादा शौकीन हो, तो आपको लगता है कि जैसे अब हम आपके एक मिनट इधर कैमरे से दिखाओ, ये दिखाओ, ये देखिए यहाँ पर अगर फिनिशिंग की बात करें तो ये स्पेस यहाँ पर आपको कितने ऊपर दिखाई दे रहा है और एंड तक जाते जाते ये यहाँ पर मिल गया और यहाँ फिर ये इसके सेंटर में आ गया। तो मतलब इस तरीके की छोटी जो चीज़ें हैं ऐसे ही बोनेट में, फिनिशिंग की अगर बात करें तो फिनिशिंग कहीं ना कहीं जो है वो ट्रैक्टर में मिस है, ये चीज़ें आपको और ट्रैक्टर में नहीं दिखाई देंगी। इसी तरीके से बोनेट जो यहाँ ये स्पेसिंग अगर देखे जाए तो ये ऐसे उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल एक समांतर नहीं है, सेम चीज़ें यहाँ पर हैं अगर आप देखें। और अगर सीट की बात करें तो सीट जो है वो हो सकता है स्पेस की वजह से मान लीजिए, या ये साइड में जो लीवर है इसकी वजह से मान लीजिए, तो दोनों साइड सीट जो है बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा आपका राइट हैंड साइड की तरफ स्पेस कम है और लेफ्ट की तरफ स्पेस ज़्यादा है, ये भी एक कमी है ट्रैक्टर में। इसके अलावा ट्रैक्टर में छोटा गियर बॉक्स होने की वजह से या छोटा ट्रैक्टर होने की वजह से जो फोर्थ गियर है उसमें थोड़ी साउंड है और वो अनोइंग साउंड है, मतलब अजीब साउंड है, तो वो कई बार जो ड्राइवर जो बिल्कुल साइलेंटली ट्रैक्टर को चलाते हैं उनके लिए मतलब वो परेशान करने वाली साउंड है। बट अगर आप सिलो थोड़ी बढ़ा लेते हैं तो वो साउंड थोड़ी कम हो जाती है। और किसान भाइयों अगर इसकी कीमत की बात करें तो कीमत मात्र 5 लाख रुपये है। 5 लाख में कुछ जगह 5,490 का है, कुछ जगह 5,25 तक है। तो जैसे इसकी श्रेणी के और जितने भी ट्रैक्टर हैं उन सब की कीमत 6, 6.5, 7.5 लाख रुपए तक है। जैसे जॉन डियर का सबसे महंगा है। भाइयों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से धन्यवाद।